coming to the sixth house. Sixth house is job, is a house of rog, rind, shatru. Rog, rind, shatru. यानी कि worries, anxieties, obstacles, enemies, ठीक, challenges in life, competition. Competition किसी भी प्रकार का competition, चाहे वो competition खेल में हो, चाहे वो competition जॉब के अंदर है, एक आदमी जॉब के अंदर एक दूसरे कॉम्पीट करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक आदमी व्यापार में कॉम्पीट करके आगे बढ़ता है एक दूसरे से। किसी प्रकार का भी जीवन में कॉम्पिटिटिव नेचर जब बनेगी, जहां भी आएगी, वो सिक्स्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट आएगी। कॉन्फ्लिक्ट स्टेट्स सिक्स्थ हाउस, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के इश्यूज फिफ्थ हाउस, लोन संबंधित इश्यूज, पैसा नहीं आना, पैसा फंस जाना, पैसे की रिकवरी नहीं होना, पैसा नहीं मांग पाना। लोग सेवा देते हैं, पैसा नहीं मांग पाते, लोगों को कतराते हैं अपना पैसा मांगने में। सिक्स्थ हाउस, लोगों से पैसा नहीं मांगा जाता। यहाँ पे कितने सारे हम लोग हैं जो हम ऑकर्ड साइन से प्रैक्टिस करते हैं, पैसा नहीं मांग पाते। छठा हाउस, ठीक, अपने आप के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट, जीतना है, जीत की ओर, हर समय एक दिमाग में एक फतूर की फाइट फॉर विन। सिक्स्थ हाउस, मेडिकल इश्यूज, डिजीज, सफरिंग्स, वॉन्ट्स, अल्सर। सिक्स्थ हाउस, मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर संबंधित प्रोफेशन। सिक्स्थ हाउस, कोवर्कर, हमारे सबऑर्डिनेट, हाइजीन की एक्टिविटीज। सिक्स्थ हाउस, पेट एनिमल्स। सिक्स्थ हाउस, चैरिटी को लेना, चैरिटी को एक्सेप्ट करना। जैसे मैंने अभी बोला, पैसा नहीं मांग पाते, पैसा रिकवर नहीं कर पाते, चैरिटी, रिसीविंग चैरिटी। फिफ्थ हाउस, हमारी अपनी एपिटाइट, मतलब पाचन शक्ति। सिक्स्थ हाउस, हमारे कलीग्स, सर्वेंट, सर्विसेज, हम सर्विसेज देते हैं किसी को, हम सर्विसेज किसी माध्यम से दे रहे हैं। सिक्स्थ हाउस, हम चाहे नौकरी करके दे रहे हैं, चाहे हम कंसल्टेंसी के रूप में भी दे रहे हैं, चाहे हम कोई और एक्टिविटी के रूप में दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। सिक्स्थ हाउस, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। सिक्स्थ हाउस, एक दूसरे के साथ एबिलिटी टू राइज अबव कंपटीशन, एबिलिटी टू राइज अबव कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन के अंदर चलते हुए हम उसके अंदर जीत की ओर, ठीक। सिक्स्थ हाउस, परफेक्शन। सिक्स्थ हाउस, हमारे अंदर एक भावना होती है कि हमें परफेक्ट बनना है। सिक्स्थ हाउस, ठीक। एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारे एनिमीज होते हैं। सिक्स्थ हाउस, पेट के नीचे का भाव, पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है। सिक्स्थ हाउस, नाभि या नाभि से नीचे का हिस्सा। सिक्स्थ हाउस, चोरी, हमारी क्या बोलते हैं, स्टेप मदर। सिक्स्थ हाउस, नौकर चाकर। सिक्स्थ हाउस, मधुमेह की बीमारी यानी कि डायबिटीज। सिक्स्थ हाउस, संघर्ष, आंतों में सूजन यानी कि इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, यूरिनल डिजीज, यूरिनल इश्यूज। सिक्स्थ हाउस, अपमान, ईर्षा, जेलसी। सिक्स्थ हाउस, डर लगना, पाप का भय। सिक्स्थ हाउस, चोट। सिक्स्थ हाउस, रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित जितनी एक्टिविटी आएंगी। सिक्स्थ हाउस, रोग यानी कि बीमारियों की स्टार्टिंग, ऋण यानी कि कर्जों की स्टार्टिंग, कर्ज, शत्रु, एनिमीज हर प्रकार के, कोर्ट कचहरी एनिमी से रिलेटेड है, डाइवोर्स एनिमी से है, सेपरेशन एनिमी है, सब सिक्स्थ हाउस से रिलेट करेंगे ये, ठीक। और बदनामी, सिक्स्थ हाउस। इस भाव का जो देवता होते हैं वो होता है सुब्रमण्यम। जब सुब्रमण्यम की बात आएगी तो मंगल की बात आएगी, मंगल देवता की बात आएगी साथ में। तो यहाँ के जो कारक प्लैनेट है वो मंगल देव है, हनुमान जी, मंगल देव यहाँ के कारक प्लैनेट है। और यहाँ का जो धातु माना जाता है वो माना था मैरो, जैसे बोन मैरो जिसको बोलते हैं मैरो, उसका धातु माना जाता है। और पित्त यहाँ का दोष है। नवल का जो एरिया होता है, हमारे पेट का जो बीच का हिस्सा होता है, इंटेस्टाइन का जो हमारा एरिया होता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो एरिया होता है, जैसे पाचन शक्ति का जो एरिया होता है, वो यहाँ के बॉडी पार्ट्स माने जाते हैं इस हाउस से रिलेटेड। दिस इज सिक्स्थ हाउस। छठा हाउस किसी के जीवन में बहुत उपयोगी हाउस है। ये बहुत आमतौर पे छठे हाउस को हम नेगेटिव ट्रेड्स के अंदर डालते हैं, बट छठा हाउस हमें वो चीज देता है जिसके इंसान आगे बढ़ता है जीवन में। अगर कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, जो कंपटीशन नहीं लड़ता और जिसको बीमारी थोड़ी बहुत किसी प्रकार की नहीं आती है, जिसको चैलेंजेस नहीं होती, और यहीं से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है जीवन में। इंसान एक्सरसाइज जब करता है तो छठा उसे एक्टिवेट करता है। जब हम बोलते हैं उपाय के रूप में, जब मैं कई बार बोलता हूँ कि इंसान एक्सरसाइज करे, अगर छठे हाउस उसको एक्टिवेट करके चलेंगे पॉजिटिवली तो इंसान के जीवन में छठे हाउस से आने वाली समस्याएं अपने आप कंट्रोल में चलेंगी। अपॉर्चुनिटीज का हाउस है ये, टर्निंग ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। हमारी जो समस्याएं हैं उसको हम अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमें छठा हाउस आएगा। छठे हाउस की समस्याओं का विपरीत अगर आप कर लोगे उसी हाउस से रिलेटेड, तो हमारी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी। जब डॉक्टर बोलता है कि आप भागो, दौड़ो, रन करो, एक्सरसाइज करो, आपका मोटापा घटेगा, आपकी पित्त आपका कंट्रोल होगा, आपका वात कंट्रोल होगा। वात, पित्त, कफ तीनों को कंट्रोल करने के लिए छठा हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि छठे हाउस हमारे को पसीना बहाने का जरिया है। जब इंसान पसीना बहाता है एक्सरसाइज के माध्यम से, छठा हाउस एक्टिवेट होता है, और जिससे डिजीज भी बाय डिफॉल्ट कंट्रोल में आती है बाय वर्च्यू ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। तो छठा हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, राइट। लेट्स आगे बढ़े। हाँ ना, मे बी मे नॉट भी, आगे बढ़े। जी सर।